हमारे घर में चोरी करती हो? गौरी ऐसा नहीं कर सकती। शकुंतला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरी पे हाथ उठाने की? हमारी हिम्मत पर सवाल उठाने से पहले इस लड़की की हिम्मत देखिए। हमारे घर में आकर चोरी करती है। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि गौरी ने चोरी नहीं की? तो फिर किसने की है? उड़कर आ गई यहाँ पर, या फिर गर्व ने चोरी की है? क्यों गर्व? करोड़ों के मालिक, तुम अपने ही घर में ये अंगूठी की चोरी करोगे? नहीं ना? है जवाब? है जवाब किसी के पास? आप सबके उतरे हुए चेहरे देखकर हमें लगता है कि आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब हमारे पास है। अपनी बहन की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई, उसे भेंट मिली ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो रात में जाकर चोरी कर ली। इस घर में लालच के लिए ही आई थी ना? वैसे भी चोरी तो इसके खून में है, इसके बाप ने भी तो साड़ी चुराई थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है वो आदमी जिसने हमारी सबसे कीमती साड़ी चुराई है। भैया, पुलिस को फोन लगाइए। पुलिस? मॉम, ये हमारे घर का मामला है, इसमें पुलिस क्यों बुला रही हैं आप? शकुंतला, ये क्या कर रही हो? अब तुम बहू के लिए पुलिस को बुलाओगी? हाँ, पुलिस बुलाएंगे, क्योंकि चोरों की जगह हवालात में होती है, हमारे घर में नहीं। हमने चोरी नहीं की है। मैं नहीं पता कि ये अंगूठी हमारे कमरे में कैसे आई। घर जी, हमारा परिवार भले ही गरीब हो, लेकिन हमारे बाबूजी ने हमें कभी भी चोरी करना नहीं सिखाया। बल्कि हमारे लिए तो चोरी से बड़ा पाप कोई है ही नहीं इस दुनिया में। भोलेनाथ जानते हैं हमने चोरी नहीं की है। भोलेनाथ तुम्हारी नीयत नहीं जानते हैं, उससे पूछना चाहिए जो इसे बचपन से जानता हो, जो इसकी रग रग से वाकिफ। गंगा, तुम्हें क्या लगता है, गौरी चोरी कर सकती है? दीदी, आप तो जानते हो हमने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की और ना ही हम चोरी कर सकते। दीदी, आपने तो हमें जिंदगी भर देखा है ना, आप बताइए ना, हम चोरी कैसे कर सकते हैं? आपने तो हमारी नियत, फितरत और बचपन सब देखा है। बताइए ना दीदी, क्या हम चोरी कर सकते हैं? गंगा, बताओ। हमें भी लगता है तुमने जलन के मारे हमारी अंगूठी चुराई है। सुन लिया, इसका खून ही कह रहा है कि ये चोरी कर सकती है। अब ये हमारे घर में नहीं रह सकती, निकलो यहां से। चलो चलो, चोरी नहीं करी, हमारा यकीन करिए। निकलो हमारे घर से। निकलो, हमारा यकीन करिए।
शकुंतला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बेटी होके दूसरों की बेटी का अपमान कैसे कर सकती हो तुम? अपमान उसका होता है जिसका कोई मान हो। जो बची कुची इज्जत थी उसने चोरी करके गवा दी। बहना आइए, इंस्पेक्टर साहब आइए। इंस्पेक्टर क्या कर रही है शकुंतला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल तो हम पहले हो गए थे जो इस लड़की को हमारे घर के अंदर आने दिया। पहले इसके खिलाफ हमें कुछ कर देना चाहिए था। आज हमें समझ आया है, इसीलिए इंस्पेक्टर को बुलाया है। किसने की है ये चोरी? इस लड़की ने। आप अपनी बहू को पुलिस के हवाले करेंगी मॉम? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। चोरी इसने नहीं की, ये निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, हमने चोरी नहीं की है, यदि हमें गलत समझ रही है। जी इंस्पेक्टर साहब, कौरी चोरी नहीं कर सकती। तुम कैसे जानते हो? बचपन से रहो इसके साथ में। जो लड़की इसके साथ बचपन से रही है, इसकी बहन, जब इसकी खुद की बहन कह रही है कि इसने चोरी की है, आप उसी से सुन लीजिए। गंगा, गंगा, गंगा बताओ चोरी किसने की है? अंगूठी किसके कमरे से मिली? बोल दो गंगा, बोल दो कि तुम्हारी छोटी बहन बेकसूर है। चोर नहीं हो सकती। गंगा सच बताओ, अंगूठी गौरी के कमरे से मिली या नहीं मिली? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अंगूठी गौरी के कमरे से ही मिली है। सुन लिया आपने, चोरी इस लड़की ने की है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। कॉन्स्टेबल, इंस्पेक्टर, गौरी ने चोरी नहीं की है। चोरी मैंने की है। जी हाँ, अब इसे आप लोग चोरी समझिए या मेरी लापरवाही। एक्चुअली मुझे रात को नींद में अंगूठी मिली थी और मैंने अपनी कबर्ड में रख दी, लेकिन मुझसे लापरवाही हुई कि मैंने सुबह अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताया। बस इसलिए मॉम को लगता है कि अंगूठी गौरी ने चुराई है। इंस्पेक्टर, अगर आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो सजा गौरी को नहीं मुझे मिलनी चाहिए। गर्व, हम जानते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुमने चोरी नहीं की है,
चोरी इस लड़की ने की है। इंस्पेक्टर, I'm really sorry. देखिए आप हमारे फैमिली मैटर में मत पड़िए प्लीज, हम सब लोग मिलकर सुलझा लेंगे। जी ठीक है, चलो। आदर, इज्जत और सम्मान, ये तीनों चीजें तब तक की जाती हैं जब तक कोई इंसान अपना मर्यादा ना भूले। लेकिन मॉम, आज आप अपनी मर्यादा भूल गई। आज आपकी वजह से हमारे घर में पहली बार पुलिस आई है मॉम। पहली बार पुलिस आई है? लेकिन पहली बार और भी बहुत कुछ हुआ है। पहली बार ये लड़की आई है, पहली बार चोरी हुई और पहली बार हमारे बेटे ने हमसे झूठ बोला है। तो पहली बार का ताना हमें तो मत दो। ताना नहीं दे रहा हूं मॉम, सिर्फ बता रहा हूं कि लड़की मेरी पत्नी है। एक आवाज पर मैं इसके कदमों में हजार अंगूठियां नछावर कर सकता हूं मॉम। फिर एक मामूली सी अंगूठी के लिए चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी इसे? इसलिए आइंदा से ना इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा मॉम। हमारी हर बार परीक्षा क्यों ली जा रही है भोलेनाथ? दर्जी, आप तो हम पर यकीन करते हैं ना? हम अपनी ही दीदी की अंगूठी क्यों चुराएंगे भला? क्योंकि जलती है तुमसे। उसे पता था कि गर्व हमारा इकलौता बेटा है, तो उसने सोचा हमारा बिजनेस, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी जायदाद सब उसको मिलेगी। फिर तुमको देखा, युग के साथ में हमारे घर में उसकी तो हवाइयां उड़ गई। पता चला कुछ नहीं मिलेगा, हाथ आएगी तो सिर्फ निराशा। और क्या है ना, ऐसे लोगों को मेहनत करने से ज्यादा आसान चोरी करना लगता है। तो चुरा ली तुम्हारी अंगूठी। हमने सुना था कि छोटी बहनें खुशियों की तिजोरी होती हैं, पर ये कैसी छोटी बहन है जिसने अपने बड़ी बहन की खुशियों की तिजोरी ही चुरा ली? हमें डर है कहीं मां दीदी को हमारे खिलाफ भड़का ना दे। मुझे शक है कि मॉम ऐसा जरूर कर सकती है, क्योंकि मेरी मॉम को हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पर अपनी बहू से तो बिल्कुल नहीं। पर हमें यकीन है हमारी दीदी मां की बातों को नहीं सुनेंगी। वो हमसे नाराज हो सकती हैं पर हमारे खिलाफ नहीं। हर माँ बाबूजी के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर चिंता किस बात की? हमें पूरा यकीन है गंगा दीदी पर। हमें यकीन ही नहीं होता कि गौरी इतना नीचे गिर सकती है। ये वो गौरी नहीं है जिसके साथ हम बड़े हुए। तुम हमारी खुशियां छीनना चाहती हो ना गौरी? हम तुम्हारी खुशियां छीनेंगे नहीं, बल्कि उसे जला देंगे।
कि फिर से कभी वो तुम्हारे पास ना आ सके। बस देखती जाओ गौरी, एक एक करके इस घर में सबको तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। खुद को संभालो, ये पानी पियो। गौरी, जो लोग तुम्हें जानते हैं ना, उन्हें तुम पे भरोसा है, और जो लोग तुम्हें नहीं जानते उन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। एकदम सही बोला। दीदी, आप तो हमें बचपन से जानती है ना, आप छोटी मोटी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन अपनी बड़ी बहन को तोहफे में मिली हुई अंगूठी को कभी नहीं चुरा सकते। आपका हक था, वो आपके इस घर की पहली कमाई थी, तो हम उसे भला कैसे चुरा सकते हैं। हम जानते हैं तुम्हें गौरी, इसीलिए तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आए हैं। क्या तोहफा दीदी? वक्त वक्त पे हमने तुम्हारे बदलते रंग देखे, लेकिन तुम्हारी इस काली करतूतों का असली रंग यही है। ये क्या किया तुमने? शर्म आ रही है तुमको? हाँ, अपनी बड़ी बहन की अंगूठी चुरा ली तुमने। अंदर से जलन हो रही होगी ना कि हमेशा से आगे रहने वाली गौरी आज गंगा से पीछे कैसे रह गई। हमें इस घर में वो मान सम्मान मिल गया जो तुम्हें नहीं मिला। छी, अपनी बड़ी बहन से मुकाबला करने चली थी तुम। एक काम करो, लो ये भी लो, सब रखो तुम, लो लो। गंगा, दो बहनों के बीच में मत बोलिए गर्व जी। आप इसे दो दिन से जानते हैं और हम इसे बरसों से जानते हैं। हमारी जिंदगी में जहर घोलना चाहती थी, साजिश की थी ना, अरे जबरदस्ती युग के साथ शादी करा दी हमारी। लो, अब तक तुम्हारा सिर्फ दिल काला था ना, आज हमने तुम्हारी शक्ल काली कर दी। दीदी, आप हम पर साजिश का इल्जाम लगा रही हैं। हमें लगता था कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन आप हमारे खिलाफ कभी खड़ी नहीं होंगी। सिर्फ खिलाफ ही नहीं, तुमसे हम नफरत करते हैं। तुमने जो अपनी बड़ी बहन के साथ किया है ना, दुश्मन भी ना 10 बार सोचेगा करने से पहले। क्यों क्यों हमारी जिंदगी उजाड़ दी तुमने? क्यों? गौरी बेकसूर है गंगा, ये सच नहीं है। और एक सच आप भी मत भूल।
भूलिए कि ये वही गौरी है जिसने आपको गरीबी की वजह से छोड़ दिया और अमीर गर्ग जी को अपने मासूम शक्ल और आंसुओं में फंसा लिया। कितनी चालाक चीज हो तुम, एक साथ दो दो लड़कों को घुमा रही हो। गंगा अपनी हद मत भूलो। हम अपनी हदें भूल रहे? हदें तो आपकी बीवी भूली है। अरे हम जानते हैं इसे बचपन से ना इसे बड़ा बनने का शौक था। हमेशा से कहती थी कि बुलंदियों को छुएंगे और इसकी काबिलियत तो देखो बन गई है बड़ी। अमीर गर्व जी को फंसा कर इसे हमेशा गरीबी से दूर एक अमीरी दुनिया बसानी थी। बस गंगा, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो तुम। अरे हमारे मन में जो आ रहा है कम से कम वो बोल के हम अपने दिल की तसल्ली तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप तो उसके भी लायक नहीं है। बताइए बोल पाएंगे आप कि जिससे हम प्यार करते थे उसने अपनी जगह अपनी बहन को बिठा दिया शादी में? बोल पाएंगे आप? अरे दुनिया हंसेगी आप पे। युग अपनी आंखें खोलिए। दीदी आप हमारे बारे में इतना गलत सोचती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे सोचा तो हमने भी नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगी। ये माँ बाबू जी के तो संस्कार नहीं है, फिर तू ऐसे कैसे निकल गई गौरी? आज से हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। आज से सिर्फ हमारी एक ही बहन है छुटकी, और तुम हमारे लिए मर चुकी हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.